सो गाइज़, यहाँ पे मैं प्रिपरेशन करने वाली हूँ कान्हा जी का मूर्ति का जन्माष्टमी के लिए। सो चलिए देखते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम डेकोरेशन किया था, उसका दीवार पे दाग पूरा लग चुका है। सो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा जन्माष्टमी का, तो मैं लास्ट इस वीडियो के लास्ट में वो शेयर कर दूँगी, आप लोग प्लीज़ उसे चेक कर लेना। सो चलिए हम लोग डेकोरेशन करते हैं कान्हा का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मोर पंख वगैरह सब मंगा लिया है, एंड डेकोरेशन का सामान वगैरह, बाकी जो पूजा का सामग्री वगैरह चाहिए वो सब यहाँ पे रखा हुआ है। सो मैं इसे भी अच्छे से मेंटेन करके आपको दिखाती हूँ कि कैसा है, कैसा लगेगा। और यहाँ पे है सारा डेकोरेशन का सामान, जिसे अभी हम लोग कान्हा जी का प्रिपरेशन करने वाले हैं। सो चलिए दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे प्रिपरेशन करती हूँ। सो गाइज, मेरा जो डेकोरेशन है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, और अब हम करेंगे पूजा का प्रिपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूजा का प्रिपरेशन। उसके लिए हम लोग को जो भी चीज़ चाहिए होगा वो हम ले लेते हैं। गाइज, मैंने प्रिपरेशन कर लिया है पूजा का। ये फूल है, और ये मैंने प्रसाद रखा है, और यहाँ पे मैं कान्हा जी को जब स्नान कराऊंगी तो उनका जो भी चीज़ होता है, दूध, दही, शक्कर, गंगा जल और घी वगैरह, जल वगैरह, वो सब है इसमें। और इसमें कान्हा जी का वस्त्र है और ज्वेलरी वगैरह है, ये देखिए। एंड यहाँ पे दीप है, अगरबत्ती है, माचिस है, और ये है आरती की थाल, और इसमें मैं कान्हा जी को स्नान करवाऊंगी। सो चलिए मिलते हैं कान्हा जी को स्नान करा के। यहाँ पे अब मैं राधा जी का मेकअप अच्छे से कर दी हूँ, और जब इनका
मेकअप हो जाएगा, उसके बाद राधा जी जाएगी हमारे साथ मंदिर। तो चलिए मैं मंदिर का व्यू आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ मंदिर पे, और यहाँ पे पूजा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और हम लोग चलते हैं। और राधा जी हमारे जी को झूला झुला रही है, और यहाँ पे ये पूजा हो रहा है। She eat.